वेलकम फ्रेंड्स ऑन एमसरजी यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नॉर्मली जो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है वो आपको टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज में लिया जाता है कि ये चेक करता है कि जो टू वैल्यूज़ आप कंपेयर कर रहे हो नंबर है या स्ट्रिंग। एंड ये जो आपका ऑपरेटर है आपके टू एलिमेंट्स या हम बोल सकते हैं दो वेरिएबल की जो वैल्यू हमने डिफाइन करी है उनको चेक करता है कि ये नंबर है अदरवाइज स्ट्रिंग, देन उनका आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है इन बूलियन फॉर्म लाइक ट्रू एंड फॉल्स। तो ये होता है आपका कंपेरिजन ऑपरेटर। अब हम देखते हैं इसके कुछ ऑपरेटर और उनके सिंटैक्स के बारे में जानते हैं कि नॉर्मली वो किस प्रकार से आपका वर्क करते हैं। लाइक आप फर्स्ट जो ऑपरेटर्स का देख रहे हो, डबल इक्वल साइन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू। ओके, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम इक्वल टू कर रहे हैं, इट्स मीन्स इनकी वैल्यू ट्रू कब होती है, अगर आपकी ये दोनों जो ऑपरेंड है इनकी वैल्यू सेम होती है। ओके, लाइक अदर लाइक ये इंटीजर है अदरवाइज स्ट्रिंग है। ओके, तो ये ट्रू कब होगा, जब इनकी दोनों की वैल्यू आपकी सेम होती है। नेक्स्ट आपका है नॉट इक्वल। ओके, और यह इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, और ये आपको ट्रू कब देता है, जब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, नॉर्मली देन ये आपको प्रोवाइड करता है ट्रू। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट है आपका नॉट इक्वल टू, और इसका सिंपल सा जो आपका सिंटेक्स है वो नॉर्मली यहाँ देख सकते हो आप, ये है आपका नॉट इक्वल साइन, और ये आपको ट्रू रिटर्न कब करता है, जब आपके दोनों ऑपरेंड इक्वल ना हो। ओके, देन ही आपको रिटर्न करता है ट्रू। ओके, एंड नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिकल। अब देखो यहाँ पे ये टू हमें साइन इक्वल के नजर आते हैं और यहाँ पे थ्री, तो इनमें मेन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो डबल इक्वल है ये चेक करता है कि आपके दोनों जो ऑपरेंड है उनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं, और ये आइडेंटिकल क्या चेक करता है, फर्स्ट थिंग दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एंड नेक्स्ट थिंग इज उनका जो डेटा टाइप है वो भी आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी एक वैल्यू है आपकी स्ट्रिंग एंड देन नेक्स्ट वैल्यू है आपकी इंटीजर टाइप। ओके, तो यहाँ पे ये भी चेक करता है कि दोनों के डेटा टाइप है वो भी नॉर्मली सेम है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका नॉट आइडेंटिकल। तो नॉट आइडेंटिकल नॉर्मली आपको ट्रू कब देता है, जब दोनों ऑपरेंड अनइक्वल हो, इक्वल नहीं होने चाहिए, और उनके डेटा टाइप है वो भी नॉर्मली क्या हो, डिफरेंट टाइप्स हो, देन आपको ये ट्रू रिटर्न करता है। और इसका डबल इक्वल के पहले आपको नॉट का साइन यूज करना होता है, तो वो होता है आपका नॉट आइडेंटिकल। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लेस देन। अब लेस देन के अंदर नॉर्मली आपका ट्रू कब होगा, जब ये आपकी वैल्यू लेस देन होगी वाई से। ओके, रिटर्न ट्रू इफ डॉलर एक्स इज लेस देन डॉलर वाई। एंड नेक्स्ट है आपका ग्रेटर देन। तो ये आपकी ट्रू रिटर्न कब होगा, जब डॉलर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो वाई से। ओके, फिर है आपका लेस देन, और इसको बोलते हैं इक्वल टू। ओके, लेस देन और इक्वल टू, और इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है। ओके, और ये आपको रिटर्न ट्रू कब करता है, इफ अगर आपकी डॉलर एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन है डॉलर वाई से और बराबर है और इक्वल है, देन आपको रिटर्न करेगा ट्रू। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में आपका आता है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका जस्ट अपोजिट ये मान लो कि डॉलर एक्स है, इसमें आपको ट्रू रिटर्न कब होगा, जब आपका डॉलर एक्स या डॉलर ए जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस वो क्या हो, यहाँ पे जो आपकी डॉलर वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, और डॉलर एक्स की वैल्यू इसके इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, देन ये आपको रिटर्न करता है ट्रू। तो वन बाय वन हम इसको चेक करते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो चलते हैं नोट पैड के अंदर और देखते हैं इन ऑपरेटर्स को यूज करके विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए नॉर्मली मैं तीन वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ जिनको हम कंपेयर करेंगे। तो मैं तीन वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू मैंने लिख ली 50,
एंड सेकंड वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ बी, और इसकी वैल्यू भी मैंने असाइन कर दी 30, और एक वेरिएबल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सी, और इसकी वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ एज ए स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे 50। अब मैंने इसको डबल कॉलम के अंदर डबल कोट के अंदर लिया, इट्स मीन ये वर्क करेगी आपकी एज ए स्ट्रिंग। ओके, फिर हम अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनको वन बाय वन चेक करेंगे, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं और वो है अपना वेरिएबल डम्प, एक सेकेंड, DUMP फंक्शन। ओके, और इस फंक्शन के बारे में नॉर्मली मैं आपका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए ये जो वेरिएबल डम्प है ये आपके जो डेटा टाइप का स्ट्रक्चर है उसको बताता है, उसको आपको एग्जीक्यूट करवाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट ऑपरेटर है अपना उसको यूज में लेते हैं जो डबल इक्वल साइन जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू। ओके, और इसको चेक करते हैं, या फिर मैं सी के साथ कंपेयर करता हूँ इसको, और यहाँ पे मेरा सेमी कोलन, फाइल को सेव करते हैं और इसका नाम हम लिख देते हैं कंपेरिजन COMP.PHP। ओके फ्रेंड्स, एंड ऑल फाइल्स सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं लोकल होस्ट PHP प्रोजेक्ट, एंटर, एंड जो आपकी फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारी फाइल थी, ओके, तो यहाँ पे हमारी फाइल है comparison.php, तो उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और आपका जो वैल्यू आई है आपके सामने वो आप चेक कर सकते हो, बुलियन ट्रू। अब ये कैसे आया, यहाँ पे ये नॉर्मली आपकी जो वैल्यू है उसको चेक कर रहा है ना कि इसके डेटा टाइप को। ओके, अगर मैं यहाँ पे बी करता देन, तो मैं यहाँ पे सी की बजाय यहाँ पे मैं आपको बी करके दिखाता हूँ, इसको इजीली मैं सेव करता हूँ, ब्राउजर के अंदर चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ गया आपका फॉल्स। इस बार आपकी बी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो यहाँ पे सेम नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब मैं अगर इसको आइडेंटिकल की बात करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ मैंने कर दिया सी और यहाँ पे मैंने एक इक्वल साइन और ले लिया। अब देखो इक्वल और इक्वल टू और आइडेंटिकल क्या करता है, इक्वल टू ओनली चेक करता है कि आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए देन ट्रू होगी, और आइडेंटिकल नॉर्मली क्या करता है आपके जो डेटा टाइप है, आपकी जो वैल्यू इनपुट कर रहे हो उसका जो डेटा टाइप है उसको भी चेक करता है, अगर वो दोनों सेम है देन आपको ये ट्रू इनपुट आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटीजर है और ये नॉर्मली एज ए स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको सेव करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, फॉल्स, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपका रिजल्ट आ गया फॉल्स। ओके, तो इस प्रकार से आपका आइडेंटिकल और इक्वल टू नॉर्मली वर्क करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू की, तो अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा देता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं बी को बी जो आपका वेरिएबल है उसको मैं ले लेता हूँ और सेव करते हैं इजीली और रिफ्रेश करते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू, क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू की, और ये ट्रू आपका कब प्रोड्यूस करता है, जब दोनों ऑपरेंड्स एन इक्वल हो। तो यहाँ पे सॉरी नॉट पैड के अंदर अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन यूज करता हूँ तो ये दोनों इक्वल नहीं है ए और बी, यहाँ पे नॉट हटा देता हूँ, तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं है, तो अब आपका आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, ट्रू, क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं है। रिफ्रेश करता हूँ तो आपका ये ट्रू ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिकल, हमने चेक कर लिया नॉट आइडेंटिकल, अब ये क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर अनइक्वल एंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह मैं कर देता हूँ 16, ओके, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं और एन इक्वल है, तो यहाँ पे मैं नॉट
इक्वल नॉट आइडेंटिकल यूज करता हूँ, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे ब्राउजर को, तो आपका ये ट्रू आपको शो कर रहा है क्योंकि दोनों ही आपके सेम नहीं है और दोनों के डेटा टाइप है वो इक्वल नहीं है। अब अगर सॉरी मैं यहाँ पे कर देता 50, ओके, अब वैल्यू उनकी क्या होगी, सेम। तो चेक कर लेते हैं अभी हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अभी भी आपकी वैल्यू है आपकी बूलियन ट्रू। अब ये क्यों है, क्योंकि आपका जो नॉट सॉरी एक्सेलेंट, आपका ये जो नॉट आइडेंटिकल है ये क्या कह रहा है, रिटर्न्स ट्रू बोथ द ऑपरेंड्स आर एन इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एक स्ट्रिंग है और एक आपका इंटीजर वैल्यू है और आप डिफरेंट टाइप्स और दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं। फिर है आपका लेस देन और ग्रेटर देन, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सॉरी लेस देन फर्स्ट, ओके, ये क्या है, लेस देन है डॉलर बी से, तो इसको देख लो एक बार, 50 यहाँ पे 15 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 30 है, तो ये फॉल्स है क्योंकि ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे सॉरी रिफ्रेश करते हैं तो आपकी वैल्यू आ गई आपके पास फॉल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटर देन की, अब आपकी वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, तो चेक कर लेते हैं ब्राउजर के अंदर और रिफ्रेश करते हैं, तो ये होगी आपकी ट्रू क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है। फिर बात करते हैं ग्रेटर देन लेस देन इक्वल की, तो यहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस और ब्राउजर के अंदर चलते हैं। तो मैं एक बार आपको बता दूँ ये ट्रू आपको कब देता है, रिटर्न्स ट्रू इफ डॉलर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू डॉलर वाई, ये इसके बराबर या लेस देन हो तब आपका ये ट्रू आपको नॉर्मली आउटपुट देता है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपकी सिंटैक्स एरर, वन सेकेंड, और हमने यहाँ पे इक्वल का साइन इसके जस्ट पीछे लगा दिया, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इक्वल का निशान यूज में लेना था। सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ओके, तो आपकी वैल्यू आ गई फॉल्स। फॉल्स क्यों आई, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये दोनों इक्वल नहीं है और बराबर भी नहीं है। अगर मैं इनको बराबर कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने कर दिया 30, ओके, तो अभी आपकी वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, ट्रू, ओके। फिर हम बात करते हैं इसी प्रकार से हम ग्रेटर देन और इक्वल को चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी चेक कर लेते हैं और इसकी वैल्यू हम 50 कर देते हैं, तो अभी आपका रिजल्ट आपको मिलने वाला है फॉल्स क्योंकि ये वैल्यू आपकी बड़ी है और इक्वल नहीं है। और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, सॉरी हमने सेव नहीं किया, तो इसको एक बार सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देन आपकी वैल्यू आपको ट्रू मिल रही है। और ये क्यों मिल रही है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डॉलर ए की जो वैल्यू है ये बड़ी है और इसके बराबर नहीं है, और ये जो आपका ऑपरेटर है ये क्या कहता है, नॉर्मली रिटर्न ट्रू इफ डॉलर ए इज लेस देन डॉलर बी, ओके, तो ये रिटर्न आपको ट्रू कब करेगा, जब आपकी डॉलर ए या एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी डॉलर बी या इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपकी बड़ी है इसलिए ये नॉर्मली आपको ट्रू शो कर रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 20, ओके, अब हम चेक करते हैं ब्राउजर के अंदर और यहाँ से नॉर्मली इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपकी वैल्यू आ गई फॉल्स, क्यों, क्योंकि अभी वो ना तो ग्रेटर देन है और ना ही इक्वल है, ओके फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कंपेरिजन ऑपरेटर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट ऑन वीडियो, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, देन हमें कुछ सुधार करने का मौका उसमें मिलता है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।